कारपेट भी ग्रीन है। क्या बात है, क्या कहना चाहिए? हाँ, बहुत खुशी की बात है कि सबके फ्यूचर भी ग्रीन हो। जैसे ग्रीन अवार्ड हो रहा है तो बहुत अच्छा नाम रखा गया। ग्रीन मतलब उनकी लाइफ हमेशा खुशहाल और हरियाली हो। तो बिल्कुल अवार्ड पाने का मतलब ये होता है कि आप अभी तक खुशहाल थे और आगे भी खुशहाल रहें। और मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मैं पिछले साल भी आया था इसी स्थान पे और बहुत अच्छा लगा था। उस साल से इस साल और इम्प्रोवाइज मतलब लोग इकट्ठा हुए अपने भोजपुरी परिवार से, तो बहुत खुशी की बात है और बहुत अच्छी बात है कि इतना बड़ा अवार्ड शो हो रहा है। और आपका जैकेट भी एकदम कलरफुल है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हाँ सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कोई रंग ना लगाए, मैं पहले से रंग बिरंगा पहन के आ गया हूँ। और होली आ रही है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की और ऐसे रंग बिरंग उनकी लाइफ चलती रहे। सिनेमा अवार्ड हो रहा है तो आप भी हरे भरे मूड में हैं कि नहीं? नहीं, मैं बिल्कुल हूँ हरा भरा और मैं मूड में हूँ और मूड और बना के यहाँ से जाऊँगा। बिल्कुल, कौन सा अवार्ड आपका नॉमिनेट हुआ है, कौन सा अवार्ड के लिए आप आए हैं? देखिए सबसे बड़ा अवार्ड यही है कि मैं आज फिर से एक अपने परिवार में आया हूँ और सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हैं और मुझे मिल रहे हैं, वही सबसे बड़ा अवार्ड है। मैं ऐसे अवार्ड को ही अचीव करता हूँ जो मेरी मेहनत और मेरी लगन और शक्ति के साथ मुझे मिले, वही खुश। बाकी देने वाला जो उनके जूरी मेंबर है, एवरीथिंग जो भी होंगे, अब वो क्या डिसाइड किए हैं क्या नहीं किए हैं, लेकिन मैं अपनी कतार में खड़ा हूँ और लोगों के बीच में जयकारा लगा रहा हूँ। आने वाली फिल्म अभी जैसे कि लव मैरिज रिलीज हुई है मुंबई, गुजरात, बिहार रिलीज होने जा रही है, यूपी रिलीज होने जा रही है, नागधारी रिलीज हुई है और आने वाली फिल्म राजमहल है अमरपाली जी के साथ, वो रिलीज होने जा रही है। और उसके बाद अगुआ है, कई फिल्में मैंने की है जो बैक टू बैक पोस्ट चल रहा है। तो फिल्मों का सिलसिला है और मेरे लगन और मेहनत का भी कारवां चल रहा है, बस आशीर्वाद दर्शकों का मिलते जाए और ऐसे ही ग्रीन अवार्ड में मैं आते जाऊँ और अवार्ड लेके और उत्साहित होकर और काम करते जाऊं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube app एंड नेवर मिस अनदर अपडेट।